नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओल्ड टाइम क्लासेस सांडपुर चैनल पर। दोस्तों आज हमारी ये बायोलॉजी की क्लास है। अब से पहले तकरीबन 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं जो जीव विज्ञान में, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा खास है। ये हमने इसलिए स्टार्ट की दोस्तों क्योंकि इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। अभी तक वैसे हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका के यानी उससे पहले वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, किस तरीके से नाम बनाए गए। ये कुछ क्लास है, अगर आपको कुछ भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दिया गया, वहाँ पर जाकर आप देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो है बायोलॉजी टॉपिक है आपका जीव विज्ञान, इसमें जो अब तक बताया गया है, सबसे पहले तो अब तक यानी कोशिका के बारे में बताया गया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन। क्या है आपका? कोशिका विभाजन। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए आप इसे नोट करते चले, ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन के अगर बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात कोशिका विभाजन की बात हुई आपकी 1855 में। कोई कब हुई? 1855 में। और जो साइंटिस्ट थे विरचाओ, कौन थे साइंटिस्ट? विरचाओ, इन्होंने इसके बारे में बताया 1855 में कोशिका विभाजन के बारे में बात करी, और विरचाओ थे। इसी यानी कोशिका विभाजन को ही बोलोगे आप सेल डिवीजन अगर बात करी तो उन्होंने बताया कि जो कोशिका विभाजन है ये 3 प्रकार से होता है। कितने तरीके से? 3 प्रकार से। नंबर एक, जो 3 प्रकार यानी कितने तरीके से हो कोशिका विभाजन, ठीक है, 3 प्रकार से लो, ठीक है, 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। अगर पहली बात करते हो तो पहला जो होगा आपका पहला कोशिका ये होगा एस सूत्री विभाजन, ठीक है, एसूत्री जो बिना सूत्र के बना हो, ठीक है। दूसरा होगा आपका सेकंड समसूत्री विभाजन, ठीक है, एसूत्री की बात, ठीक है। अब थर्ड है आपका अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। बात आई सर में? कोशिका जो है कोशिका विभाजन किसने बताया सबसे पहले? विरचाओ ने इसके बारे में बताया, कब? 1855 में। 1855 के बाद अब कोशिका विभाजन कितने तरीके से होता है आपका? 3 प्रकार से। पहला कौन सा है आपका? एसूत्री विभाजन। दूसरा क्या है? समसूत्री विभाजन। और तीसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो चलो ठीक है ना, ये नोट कर लिया तो ठीक है। इसके बारे में पहली अगर बात करें, पहले टॉपिक की बात है असूत्री विभाजन। अगर असूत्री विभाजन की पहले बात करते हो तो असूत्री विभाजन कुछ इस तरह का विभाजन होगा जिसमें कोशिका विकसित नहीं होती, अविकसित होती है कोशिका। कोशिका कैसी होती है इसमें? अविकसित, ठीक है। कोशिका कैसी होगी आपकी? अविकसित। बात आई समझ में? इस वजह से अविकसित कोशिका होने की वजह से जैसे होता क्या क्या है इसके अंदर, जैसे एग्जांपल में अगर आप लेना चाह रहे तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें और किस किस के अंदर होता है इस तरीके से? जीवाणु हुआ आपका, और नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल हुआ, और इसमें यीस्ट, अमीबा, ठीक है, और इसमें और भी है जैसे प्रोटोजोआ, और क्या है आपका? प्रोटोजोआ। तो ये सारे मिलते हैं जिसमें आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। किस किस में? जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि एक्सेट्रा यानी ईटीसी। तो जितने ये सब हैं इनमें क्या होता है आपका? क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका का विभाजन कैसा होता है? असूत्री विभाजन। तो अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। आइए ठीक है ना, हो गए।
कर दे रहा वो देखो। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका समसूत्री विभाजन। लो दूसरा है आपका समसूत्री विभाजन। अगर बात करी जाए समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन में सबसे पहले जो बात करी, एक तो चलो एक और बात कर लो, ये याद करो कि ये जो है जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ये प्रक्रिया किसमें होती है? तेज की प्रक्रिया जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है ये प्रक्रिया। ठीक है, जो समसूत्री विभाजन होता है किसमें? जंतु कोशिकाओं में। दूसरी बात, सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वे कहाँ के थे? जर्मनी के। नाम था उनका फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग। और कब थी? 1879 में। कब उन्होंने इस बारे में बताया? 1879 में। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम, जब इस प्रक्रिया को और अध्ययन करने के बाद उन्होंने 1882 में इसका नाम कन्वर्ट करा। 1882 में उन्होंने इसका नाम कन्वर्ट करने के बाद बताया माइटोसिस। माइटोसिस क्या बताया इसका नाम? माइटोसिस। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन के बारे में ये। तो इसे ही आप क्या बता सकते हो, यह विभाजन किस तरह का है? कायिकी विभाजन। किस तरह का है ये विभाजन? कायिकी विभाजन। लो ये, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। कायिकी विभाजन है ये, कायिकी विभाजन। ठीक है, अब कायिकी विभाजन के बारे में, तो इसे बोल सकते हो सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल, जिस तरह जो कायिकी विभाजन होते हैं इसमें, या कायिकी विभाजन क्या ये कह लो, सॉरी, कायिकी कोशिकाएं लिखो। कायिकी कोशिकाएं, ये गलत हो गया, कोशिका। तो समसूत्री विभाजन किस में मिलेगा आपका? जंतु कोशिकाओं में। सबसे पहले बात किसने करी? जर्मनी के साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग उनका नाम था, 1892 में। फिर उन्होंने और अध्ययन करने के बाद 1882 में उसका नाम क्या बताया? माइटोसिस। ठीक है, और पाया स्पेशली किस में जाता है? कायिकी। ठीक है, कायिकी जो कोशिकाएं हैं। तो हाँ, स्टार्टिंग यानी इन्होंने पब्लिक के सामने जो रिप्रेजेंट किया ना, माइटोसिस रखा इसका नाम, वरना कोशिका विभाजन ही रखा था जब तक। तो ठीक है, स्टार्टिंग में कोशिका विभाजन के बारे में बताते हैं कि कोशिका, हाँ, जंतु में पाई जा। खासतौर से आपको क्वेश्चन यहाँ पूटा पहुँच सकता है आपके, कि बताओ समसूत्री विभाजन किस में होता है? जंतु में, वनस्पति में, जीव में। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन हो बनेगा आपका, या दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ, तो किस किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात करी, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक की बात आई समझ में। अब उन्होंने और अध्ययन करा, अध्ययन करने के बाद बताया कि ये पांच तरीके से प्रक्रिया चलती है। कितने तरीके से? पाँच तरीके से। दो पाँच तरीके से। अब देखो पाँच तरीके से कौन कौन सी है इसमें, यानी जो पांच तरीके, या कह दो, या ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ, पांच चरणों में बांटा उन्होंने इसे, ये ज़्यादा अच्छा, पांच चरणों में डिवाइड करा। पहला था आपका, अगर पहले की बात करें, अंत्यावस्था। कैसा था पहला? अंत्यावस्था। ठीक है, दूसरा था आपका पूर्वावस्था। ठीक, तीसरा अगर आपका देखे जाए तो तीसरा था मध्यावस्था। अगर चौथा था आपका पश्चावस्था। अगर पांचवा था आपका ये अनंत्यावस्था। ये पांच, इन्होंने पांच टाइप में डिवाइड करा किस किस तरीके से। पहली अगर बात होगी जिसमें तो नमस्कार दोस्तों, ऐसा हुआ कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम जो अपनी क्लास पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज उसी क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो आपके यानी टॉपिक था, कल टॉपिक था हमारा जो क्लास में, यानी कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के बारे में बात करी थी, और कोशिका विभाजन कितने तरीके से होता है, तो इस बारे में हम बात कर चुके थे। तो ठीक है दोस्तों, यानी वीडियो, यानी जो कुछ विलम्ब के कारण वीडियो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज उसी क्लास को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं।
तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक था हमारा कोशिका विभाजन है, और जिस बारे में हम बात कर चुके थे उसे जल्दी जल्दी से कर लेते हैं बात उसके बारे में। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो सबसे पहले ये तो पता ही था, ठीक है, विरचाऊ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में बात करी थी। उन्होंने बताया कि कोशिका जो है तीन टाइप में आपकी डिवाइड होती है, कोशिका विभाजन जो होता है किस किस के तरीके तो होता है, एक अर्धसूत्री होता है, एक उसके बाद होता है आपका समसूत्री, और उसके बाद एक होता है, ठीक है, अर्धसूत्री समसूत्री, और एक होता है असूत्री विभाजन। तो अब से पहले हम असूत्री विभाजन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। असूत्री विभाजन कैसा था? असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन ज़्यादातर होता किसमें है, जैसे बैक्टीरिया हुआ आपका, ठीक है, लो तो असूत्री विभाजन होता है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, अमीबा, इसमें असूत्री विभाजन पाया जाता है आपका। और ख़ास तौर से मतलब जिसकी कोशिकाएँ विकसित ना हो, मीन्स क्या है आपका, जिनकी कोशिकाएं विकसित ना हो, जो अविकसित कोशिकाएं होंगी उसमें कैसा होता है, असूत्री विभाजन। उसके बाद है आपकी अगर बात करी जाए, दूसरा था समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, जिन्होंने 1879 में, फ्लेमिंग थे जिन्होंने इस बारे में सबसे पहले बात करी थी 1879 में। उन्होंने बताया कि समसूत्री विभाजन जो है आपका ये काय की कोशिका, क्या काय की कोशिका भी इसे कहलाते हैं, मतलब कि इस कोशिका में ये होता है, एक तो जंतु कोशिकाओं में, इस बारे में हम पढ़ चुके, जंतु कोशिकाओं में होता है ये। और इसकी खास बात क्या है कि इसका नाम उन्होंने दिया था, सबसे पहले क्या दिया था, 1800 यानी पहली तो बात इसमें करी, और 1882 में ज़्यादा अध्ययन करा, और अध्ययन करने के बाद फिर इसका नाम दिया था माइटो, ठीक है, क्या था नाम बताओ, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। तो माइटोसिस जो था ये नाम दिया, और माइटोसिस के बाद फिर इन्होंने इसमें बताया कि ये किसके तरह से काम करता है आपका, बात किसकी कर रहे हैं आप, समसूत्री की, समसूत्री। तो समसूत्री में क्या हुआ था, माइटोसिस यानी फ्लेमिंग ने सबसे 1879 में सबसे पहले फ्लेमिंग ने बात करी, और उसके बाद उन्होंने फिर उसका नाम दिया था माइटोसिस। इसे काय की विभाजन भी, क्या बोले, काय की विभाजन कोशिका भी बोल सकते हो आप, और माइटोसिस नाम दिया। इसके बाद इन्होंने बताया कि पांच प्रक्रिया होती है, इस बारे में हम बात कर चुके थे, क्या थी, अंत्यावस्था, क्या थी आपकी, अंत्यावस्था, पूर्वावस्था और मध्यावस्था, पश्चावस्था और अनंत्यावस्था। तो इसके बाद, चलो इसके बाद थोड़ी सी और बात करनी थी, अब जो पाँच टाइप थे आई बात समझ में, यहाँ तक की बात आप कर चुके थे, तो ठीक है। इसके बाद क्या है, एक जनक कोशिका, एक क्या है आपकी, जनक कोशिका, जनक कोशिका में क्या होते हैं, एक जनक कोशिका से दो, दो क्या बनती है, संतीत यानी संतान, जैसे कि दो टू डॉटर्स, क्या बोल सकते हो आप इसे, इसे बोल सकते हो आप, एक जनक कोशिका होगी उसे डॉटर सेल भी बोल सकते हो आप, समझ में आया, क्या बोल सकते हो, डॉटर सेल भी, यानी इसका मतलब एक जनक कोशिका से कितने बन सकते हैं आपके, दो। तो ठीक है, यहाँ तक की बात आई समझ, लो नेक्स्ट बात, जो भी एक सतत कोशिका होगी आपकी, एक सतत, ठीक है, जो एक सतत कोशिका है आपकी, या संतित कह दो, मैं गुणसूत्रों की संख्या जितनी भी होगी, मैं गुणसूत्र, जितने भी गुणसूत्र होंगे आपके, किसके बराबर होंगे, मैं आपके जनक कोशिका के, यानी इक्वल जो कहलाओगे मैं आपके जनक कोशिका, ठीक है, जनक कोशिका के बराबर होते हैं, बात आई समझ में आज। लो देखो अब एक और है नेक्स्ट, अगर समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, किसकी, समसूत्री विभाजन की, पाश्चावस्था जो होती है, पाश्चावस्था कौन सी, पाश्चावस्था, ये बहुत सबसे छोटी है, कैसी है ये, सबसे छोटी पाश्चावस्था, ये तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर हो जाती है आपकी, कितनी होती है आपकी, 2-3 मिनट के अंदर
तकरीबन ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी आपकी, जब जैसे भी आपकी समसूत्री कोई भी सेल अगर समसूत्री विभाजित सेल में अगर आपकी डिवाइड हो होती है तो उसमें पांच कंडीशन बताई थी, पांच कंडीशन के बाद जो पांचवी कंडीशन में एक कंडीशन है पाश्चात्य अवस्था, वो सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी कंडीशन है, कितनी देर में ख़त्म हो जाती है, 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है आपकी, बात आई समझ में। तो ये अब तक तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन। तो मिटा दें से कोई बात नहीं, लो समसूत्री के बारे में पता लगा, लो हाँ अच्छा। तो देखो अब सेल है आपकी समसूत्री विभाजन, सॉरी अर्धसूत्री, अर्धसूत्री की बात करें तो अर्धसूत्री के बारे में सबसे पहले जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले बताया, दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था म्यूरे तथा और थे फार्मर, ठीक है, म्यूरे और फार्मर, ठीक है, म्यूरे और फार्मर, इन्होंने बात करी थी 1905 में इसके बारे में, कब करी इसके बारे में बात उन्होंने, 1905 में। तो ठीक है 1905 में इन्होंने कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन दिया और इसे नाम दिया आपका, क्या नाम दिया, मेयोसिस, ठीक है, क्या नाम दिया इसे, मेयोसिस। तो इसके बाद ठीक है अब अगर सर्वप्रथम की बात करें तो इन्होंने नाम दिया ना 1905 में, अगर सर्वप्रथम की बात करें, किसकी बात करें, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या है, बीजमैन, सर्वप्रथम क्या थे, बीजमैन। वैसे तो बीजमैन ने इसकी खोज की थी, सर्वप्रथम खोज किसने करी थी इनकी, बीजमैन ने, सबसे पहले बीजमैन ने इसके बारे में खोज की थी, और बीजमैन ने खोज करने के बाद इसका विस्तृत अध्ययन जो सबसे ज़्यादा अध्ययन करा, यानी विस्तृत अध्ययन जो करा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1888 में, यानी 1888 में, 1888 में ज़्यादा अध्ययन करा, इसका नाम था स्ट्रांसबर्ग, क्या था उनका नाम, स्ट्रांसबर्ग, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन करा। तो अब तक की समझ में आई। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो सबसे पहले बीजमैन ने खोजा इसे, विस्तृत अध्ययन ज़्यादा अगर बात करी जाए, अध्ययन किसने करा 1888 में, स्ट्रांसबर्ग ने। उसके बाद अगर बात करी जाए तो फिर इसका नाम दिया मेयोसिस किसने, म्यूरे फार्मर ने, कब 1905 में इसका नाम दिया गया। तो ठीक है तो अब हाँ तो चलो ये अगर और बात करें, विस्तृत अध्ययन, विस्तृत यानी ज़्यादा से ज़्यादा, इसने स्ट्रांसबर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे ज़्यादा बताया। अब इसके अगर बात करें इसके बारे में, जो अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है चलो, यह विभाजन लिख लो, यह विभाजन क्या है आपका, जनन कोशिकाओं में होता है, किसमें यह विभाजन, किसमें होता है, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, बात आ गई यहाँ तक की समझ में, ठीक, यह विभाजन होता है आपका जनन कोशिकाओं में। अब अगर बात करी जाए, अर्धसूत्री विभाजन भी दो चरणों में बटा हुआ है, जो अर्धसूत्री विभाजन है, विभाजन दो चरणों में बटा हुआ है, नंबर एक अगर पहली बात करते हैं तो पहला है अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट, दूसरे अगर टाइम की बात करते हो आप तो वो है अर्धसूत्री सेकंड, ये है अर्धसूत्री फर्स्ट और ये है आपका अर्धसूत्री सेकंड। तो बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो, अब तक कोई दिक्कत, बात आई सारी समझ में, तो ठीक है अभी हमने किसके बारे में बात करी, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, सबसे पहले अगर खोज करी तो बीजमैन इसकी खोज करी, उसके बाद और ज़्यादा अध्ययन कराए जाए किसने, स्ट्रांसबर्ग ने ज़्यादा, तो उसके बाद बताया, इसके बाद 1905 में म्यूरे और फार्मर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मेयोसिस इसका नाम दिया,
भी हाँ अर्धसूत्री विभाजन जो सेल है, हाँ इंग्लिश में, हिंदी में भी जिस तरह वो पिछला पढ़ा है माइटोसिस, माइटोसिस पढ़ा, माइटोसिस उनका नाम था, तो इसी तरीके से इनका मियोसिस नाम रखा। अब और बात करें तो ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अगर डिवाइड करें तो दो पार्टों में डिवाइड हुए, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड। बात आई समझ में? तो ठीक है सर आप कर देते हैं। तो लो देखो, ठीक है तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। अर्धसूत्री अगर फर्स्ट की बात करते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट अगर इसके बारे में बात करते हैं, तो इसकी खास बात है कि इसमें गुण सूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। कैसी रहती है? आधी रह जाती है। इसमें गुण सूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है आपकी? आधी। तो अच्छा, इसके बाद इसे अगर आप और भी नाम दे सको, इसे न्यूनकारी अभिक्रिया भी कह सकते, न्यूनकारी विभाजन, ठीक है, न्यूनकारी विभाजन भी बोल सकते हो ऐसे, हाँ कहते हैं, ठीक है इसे ही, अर्धसूत्री फर्स्ट को। तो यहाँ तक की तो बात ठीक है। अब इसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन जो है ये चार पार्टों में आपका डिवाइड हुआ, जिस तरह से समसूत्री था, तो चार पार्टों में अगर डिवाइड करे जाए तो पहला ये पार्ट है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा और ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो पहले की अगर बात करें तो ये है आपका प्रोफेज, क्या है ये? प्रोफेज फर्स्ट। इसे अगर आप लिखना चाह रहे तो मेटाफेज, ये मेटाफेज है ये भी, ठीक है ना, मेटाफेज फर्स्ट। इसका अगर बात करो एनाफेज, ये भी फर्स्ट, ठीक है ना, एनाफेज। इसके में बारे में अगर बात करी तो ये है आपको टेलोफेज, ठीक है। तो ये है आपका अर्धसूत्री विभाजन, किस तरह चार पार्टों में डिवाइड होगा ये, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अगर बात करी जाए तो सबसे लंबी प्रक्रिया किसकी है, तो सबसे लंबी परावस्था जो है ये है, सबसे लंबी, ठीक है, तो सबसे लंबी परावस्था क्या है इसकी, तो बात आ गई समझ में, ठीक है, तो सबसे लंबी परावस्था जो है इसकी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद जो ये है, क्योंकि ये भी खुद पांच टाइपों में डिवाइड है आपका, कितने में है? पांच पार्टों में। अब पांच पार्टों में कौन कौन से हैं देखो, ध्यान दो, हाँ प्रोफेज, इसलिए तो सबसे लंबी है। तो देखो प्रोफेज जो है आपकी, ये भी खुद पांच पार्टों में डिवाइड है, नंबर एक, दो, तीन, चार और नंबर पाँच, ठीक है। तो अगर बात करते हैं, आइए बात करें इस पर भी, तो इसमें जो बात हुई है पहली है, ये है लेप्टोटीन, पहले नंबर की क्या है आपकी, लेप्टोटीन। ये है आपका जाइगोटीन, क्या है आपका? जाइगोटीन। और इसका बात अगर आप करते हो, ये है पैकीटीन, क्या है ये आपका? पैकीटीन। और इसमें है आपका, ये है डिप्लोटीन। और इसमें अगर बात करी जा डाइकिनेसिस, क्या बोल दोगे इसे? डाइकिनेसिस। तो समझ में आया कितने टाइप से है ये आपका, इसलिए सबसे लंबी अवस्था है, क्यों? क्योंकि ये खुद पांच पार्टों में डिवाइड है आपकी, लेप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और ये है डाइकिनेसिस, ठीक है।
तो अगर इनकी तो इसकी इसमें बात करते हैं, और तो वैसे तो इतने ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है बस, यानी इसे ही पढ़ लो, यही बहुत खास है, इसके इससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं मिलता आपका एग्ज़ाम में, तो ठीक है चाहे तो आप इसे ही। अब अगर बात करना चाह रहे थोड़ा थोड़ा, तो जैसे लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन की अगर बात करी जाए तो लेप्टोटीन में गुणसूत्र पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं, यानी इसमें किस तरह की बात करते हैं, लो आओ। तो यानी ये वाला पोर्शन नोट कर लिया आपने, तो चलो कोई नहीं, इसमें यही लिख लो छोटे छोटे पार्ट में। गुणसूत्र कैसे होते हैं आपके, गुणसूत्र पतले धागे कैसे होते हैं, गुणसूत्र पतले धागे, पतले धागे जैसे। दूसरी बात, पतले धागे की तरह इन्हें क्रोमो, इन्हें जो बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आप क्रोमेनिमेटा, क्या बोलते हैं ना आप इन्हें, क्या बोल लोगे गुणसूत्रों को जो पतले हो गए, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा। ठीक है, यहाँ तक के बारे में पता लगा। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित, द्विगुणित यानी कैसी होगी, द्विगुणित समझ रहे, द्विगुणित एक मिनट बोलो, द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब हो गया आपका जैसे डाइपोल टाइप है, डबल 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 चिपके हुए डबल फॉर्म में, तो इसी की तरह बनता है आपके बाद फिर जाइगोट, जाइगोटीन, क्या बनता है फिर आपका, जाइगोटीन। तो दोस्तों जो आज की क्लास थी हमारी कोशिका विभाजन के बारे में हमने तकरीबन पूरी तरीके से पढ़ा, जो छोटी छोटी रिएक्शन है अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो अलग से पढ़ भी सकते हो, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत खास है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों एक बात और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तो अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।